नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अदर भी कोलकाता का एएलपी टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है। अपन बात करने वाले हैं कि पीसीएम में इसका कट ऑफ कितना गया है और इसमें कितने बच्चे को सिलेक्शन दिया गया है, कितना इसमें सीट है, ये सभी चीज़ें पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा रहता है सब रिजल्ट में कि 1.5 गुना को बुलाया जाएगा, तो वो सभी लिखा हुआ है। उसके बाद 70% और 30% जो एएलपी में है क्राइटेरिया कि साइको से हम 30% लेंगे, वो सब लिखा हुआ है। हम नीचे जाके देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में कितना बच्चे को सिलेक्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो नीचे हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिखा रहा है आपका 7345, देखिए इतने बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन इसमें जो सीट है वो तकरीबन 5500 के तकरीबन है। तो यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके 2000 के तकरीबन, यानी कि 1800-1700 के तकरीबन ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में उनको तो छाँटना ही पड़ेगा जो भी एक्स्ट्रा बुलाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मेडिकल की वजह से छाँट सकते हैं और कुछ मेरिट की वजह से छाँट सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा तो बुलाया जा रहा है इसमें, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बुलाया जा रहा जितना कि बुलाया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें पीसीएम का कट ऑफ कितना गया होगा, क्योंकि देखिए पीसीएम वाले का तगड़ा फाइट है। तो हम एक स्क्रीनशॉट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना गया होगा। अगर हम यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक हर्ष कुमार हैं, वो पीसीएम यूआर टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं कि 86.47 में सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पीसीएम का कट ऑफ यूआर में कितना गया होगा, 90 के तकरीबन तो गया ही होगा। जब इनका 86.47, यानी कि अबाउट आप मान सकते हैं कि 87 नहीं हुआ, तो यानी कि 90 के तकरीबन गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पीसीएम में कितना कट ऑफ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, पीसीएम वाले ना घबराएं कि थे उनका नहीं हुआ है, अभी उनका एनटीपीसी है, उसके बाद जेई वगैरह है, तो बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी है। ये तो आपका 12th लेवल का आईटीआई लेवल का जॉब है, अभी ग्रेजुएशन लेवल का भी जॉब बाकी है। तो अगर आप इतना नंबर ले आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप इसमें जो एनटीपीसी है या जेई में सिलेक्शन पक्का ले लेंगे। तो देखिए कोई चीज़ अगर बुरा होता है तो वो अच्छा के लिए बुरा होता है, तो ये समझिए, ये पॉजिटिव मानिए। तो आपको मतलब कि इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं बनाना है जैसा कि यहाँ पे हर्ष कुमार ने बनाया है, अच्छे के लिए ही कुछ बुरा होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।